इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां तेज प्रताप के घर राबड़ी देवी पहुंची है। बताते चले कि राबड़ी देवी पटना पहुंचने के बाद सीधे तेज प्रताप के आवास पर पहुंची हैं, जहां दोनों भाइयों के बीच चल रहे मनमुटाव को खत्म करने के लिए तेज प्रताप से अभी राबड़ी देवी यानी जरिए उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। तो बताते चले कि राबड़ी देवी पटना पहुंचने के बाद सीधे तेज प्रताप के आवास पहुंची है, जहां दोनों भाइयों के बीच चल रहे मनमुटाव को खत्म करने के लिए तेज प्रताप से अभी राबड़ी देवी जी उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। तो बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां तेज प्रताप के घर राबड़ी देवी पहुंची है। तो बताते चले कि एक लंबे अरसे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। मरगूब, एक लंबे अरसे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तेज प्रताप के आवास पहुंची है मुलाकात करने, क्या अहम जानकारी इस खबर को लेकर? करिश्मा, ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर है। बिहार के राजनीति के हैसियत से अगर आप देखेंगी तो शायद पिछले एकाध हफ्ते की बात करेंगे तो इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। राबड़ी देवी आनंद फानंद में पहुंची है दिल्ली से पटना, और आपको पता है की उपचुनाव है और इस चुनाव को तेजस्वी यादव ने नाक का बाल बना लिया है। और इसी बीच जिस तरीके से डिफरेंसेस दोनों भाइयों के बीच हुआ था कुछ मामलों को लेकर के, उस पूरे मामले में राबड़ी पहुंची। जब एयरपोर्ट पर हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जदयू और बीजेपी के बीच झगड़ा हो रहा है, हमारे घर में कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन राबड़ी देवी अपने आवास नहीं जाकर के सीधे तेज प्रताप यादव के आवास में चली गई और वहां तेज प्रताप यादव से अभी उनकी मुलाकात होनी है। फिलहाल इस पूरे मामले में राबड़ी देवी मध्यस्थता की भूमिका निभाना चाह रही है, क्योंकि माँ है वो, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राबड़ी देवी की जो मध्यस्थता है बहुत कारगर साबित होने वाली है। और अगर ये मध्यस्थता काम हो गई, कामयाब हो गए वो, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो हाल के दिनों में जो दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव हुआ या किसी बात को लेकर के दुनिया भरी, वो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो राबड़ी देवी अभी भी तेज प्रताप के आवास के अंदर है, और जो हमारे पास जानकारी अपने सूत्रों से कि तेज प्रताप से उनकी मुलाकात हो रही है, और मुलाकात करने के बाद राबड़ी देवी अपने आवास जाएंगी तेजस्वी यादव, वही आपको पता है। उसके बाद कल हो सकता है इस पूरे मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट हो और कहीं ना कहीं तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की बातचीत, आपसी बैठा करके बातचीत हो और मामले को कल सॉर्ट आउट किया जा सकता है। निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर है, और इस खबर के पीछे जो हमारे पास जानकारी है, लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को स्पेशली भेजा है इस पूरे मामले को देखने के लिए, और राबड़ी इसीलिए आनंद फानंद में लालू प्रसाद यादव को छोड़ करके वो दिल्ली से पटना आई है, और फिलहाल अभी उनकी तेज प्रताप यादव से मुलाकात होनी है उनके आवास पर। जी मैडम, लालू जी कैसे हैं? तबियत कैसी है? बहुत दिन बाद आ पाएंगे। अच्छा है, कब आएंगे लालू जी? उम्मीद है जल्दी आएंगे। मैम, दो भाइयों में लड़ाई चल रही है, तेज प्रताप और तेजस्वी में, क्या कहेंगे? अच्छा, बीजेपी में जदयू में लड़ाई चल रहा है, हम लोग के घर में लड़ाई नहीं। अच्छा, जीतेंगे दो? मैडम, लालू जी कैसे हैं? तबियत कैसी है? बहुत दिन बाद आ पाएंगे। अच्छा है, कब आएंगे लालू जी? उम्मीद है जल्दी आएंगे। मैडम, लालू जी कैसे हैं? तबियत कैसी है? बहुत दिन बाद आ पाएंगे। अच्छा है, कब आएंगे लालू जी? उम्मीद है जल्दी आएंगे। मैम, दो भाइयों में लड़ाई चल रही है, तेज प्रताप और तेजस्वी में, क्या कहेंगे? अच्छा, बीजेपी में जदयू में लड़ाई चल रहा है, हम लोग के घर में लड़ाई नहीं। अच्छा, जीतेंगे दो? मैडम, लालू जी कैसे हैं? तबियत कैसी है? बहुत दिन बाद आ पाएंगे। अच्छा है, कब आएंगे लालू जी? उम्मीद है जल्दी आएंगे।